उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के दिशा निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी के नेतृत्व में सोमवार को टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बीते दिनों प्रतीकात्मक पुतला बनाया गया और गोली मारकर राष्ट्रपिता का घोर अपमान किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने हिंदू महासभा का घोर निंदा करते हुए उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग किया और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हिंदू महासभा के द्वारा किए गए ऐसे अपमानजनक कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, पार्षद संजीव सिंह सोनू, डॉक्टर सैयद जमाल, डॉक्टर वजाहत करीम, दिलीप जायसवाल, और हुसैन, दिलीप कुमार निषाद, नवीन सिन्हा, स्नेहलता, प्रेमलता चतुर्वेदी, मुस्तफा अंसारी, प्रहलाद कुशवाहा, धर्मराज चौहान, नासिर मुन्ना, उमेश चंद्र खन्ना, मनोज श्रीवास्तव, सुरेश प्रसाद चौधरी, ब्रिज नारायण शर्मा, तौकीर आलम सहित भारी संख्या में कांग्रेस शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा, बापू हम शर्मिंदा है, बापू तेरा एक बार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तेरा एक बार नहीं सहेगा हिंदुस्तान है, कातिल तेरे जिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये एक बहुत ही निंदनीय काम हुआ है जो हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश के पूरे आज़ादी की लड़ाई को संजोया, उसको लीड किया और उसके बाद इस राष्ट्र का निर्माण किया जिस राष्ट्र के हम लोग इतने गर्व से अपने को भारतीय कहते हैं, और उस राष्ट्रपिता के एक पुतले को बना के उस पर गोली, एक पार्टी की जो हिंदू महासभा की नेत्री हैं उन्होंने मारी, गोली मारी, शायद अपनी एक सस्ती लोकप्रियता जुटाने के लिए किया होगा या जो भी उनकी अगर विचारधारा ऐसी रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और हमारी मांग है कि ऐसी अगर किसी पार्टी में इस तरीके की कोई कार्यकर्ता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई ली जाए, उस पर रासुका लगाया जाए और उसके ऊपर पूरा प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार उस पर पूरा अपना एक्शन ले और उस एक्शन को हम लोग होते हुए देखना चाहते हैं। ये हमारी मांग है क्योंकि इस तरीके का कोई भी अपमान, हम लोग अपने राष्ट्रपिता का अपमान सहन करने के लिए यहाँ पे खड़े नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी जनता पे के बीच में जाएगी, सड़क पे आंदोलन करेगी जब तक कि उनका ये जो कार्य करती हैं जिन्होंने इस तरीके की एक घृणित कार्य किया है, जब तक उनको पकड़ा नहीं जाए, उनको दंड नहीं दिया जाए, ये हमेशा के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे लोग ये माने कि हम लोग अपने राष्ट्र के जो गौरव लोग हैं उनकी हम लोग उनको संजो के रखते हैं, उनके सम्मान करते हैं, ना कि उनके ऊपर इस तरह से पुतला बना के और गोली मार के दिखाते हुए। ये एक बहुत ही घृणित कार्य है और ये इनकी जो दिमागी सोच है उसको दिखाता है कि किस तरह से अपनी पार्टी में अपने को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं और शायद उनकी पार्टी के लोग इसको लाइक करते होंगे, वाहवाही करते होंगे, इससे उनको पद में गरिमा प्राप्त होती होगी और इसीलिए वो लोग इस तरीके के कार्यों को करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपमान है और इसके ऊपर कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए, इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, यही हमारी मांग है। FIR दर्ज हो चुका है पहले से, अभी केवल FIR दर्ज होने से काम नहीं चलेगा, उस पर तुरंत कार्य होना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए और एक राष्ट्रपिता का अपमान करने पे ऐसे लोगों को सस्ते में छोड़ नहीं देना चाहिए।